हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल पंजाबी ढाबा में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्निंग में कई बार हम एक ही तरह का नाश्ता खाते खाते बोर हो जाते हैं। ऐसे में मैं आपके लिए एक अलग सा नाश्ता लेकर आई हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगा। ऐसा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता दही वाली चटनी आज पंजाबी ढाबा में बनाएंगे। ये नाश्ता आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रहेगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल चावल लिया है। इसे मैंने 4 घंटे पहले अच्छी तरह से वॉश करके भिगो के रख दिए थे। आपने भी ऐसा ही करना है। अगर आपके पास सुबह को टाइम नहीं है तो आप इसे रात को भी भिगो के रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन लिया है। इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे और एक पेस्ट को रेडी कर लेंगे। इस तरह से पेस्ट को हमने रेडी कर लेना है। फिर हम एक ग्राइंडर जार लेंगे, इसमें भीगे हुए चावलों को डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। इसको मैंने पहले से ही उबाल के रख लिया था। अब इसको भी हम इस बैटर में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। आलू और चावलों को अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद ये देखिए एक स्मूथ बैटर तैयार हो चुका है। अब इसमें हम दही को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं इसमें 4 चम्मच दही के ऐड करूँगी। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम 10 या 15 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि ये बैटर अच्छी तरह से सेट हो जाए। इतने में हम दही वाली चटनी को तैयार कर लेते हैं। एक ग्राइंडर जार में हम 1 बाउल दही को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्ची, 2 इंची अदरक और थोड़ा सा धनिया लिया है। अब इस दही में हम इस अदरक को भी ऐड कर लेंगे और हरी मिर्ची को इसमें काट कर डाल देंगे। आप चाहे तो इसे साबुत भी इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड कर लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे और फिर टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें नमक को ऐड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दही वाली चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अब इस बैटर को भी देख लेते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1 कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर और ग्रेट की हुई गाजर, इसको हम ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें हम कड़ी पत्ता को ऐड करेंगे और फिर जो हमने पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन और मिर्ची का, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और फिर खूब सारा धनिया इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बैटर कितना कलरफुल है और कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए अब इसमें हम मसालों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच नमक इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स इसमें डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये बैटर तैयार हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे और इसे लो फ्लेम पर रखेंगे और ऑयल से इसे ग्रीस कर लेंगे। इसे हम ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम बैटर को ऐड कर देंगे। बैटर ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। ये बैटर अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक्कन से कवर करके रख देंगे। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से ड्राई हो गया है। अब हम इसके ऊपर ऑयल को लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ऑयल को इसके ऊपर सेपरेट कर देना है और इसके साइड्स में भी ऑयल को लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद अब इसे हम पलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, वाओ, कितना बढ़िया बना है, बहुत ही कलरफुल लग रहा है। अब इसे हम 1 मिनट के लिए ढक्कन से कवर करके रख देंगे और फिर इसके बाद ये तैयार हो जाएगा। इस नाश्ते को अगर आप इस दही वाली चटनी के साथ खाएंगे तो आपको ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया लगेगा और आप इसे बार बार बना कर खाएंगे।
फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।